हेल्प करते तो भाई मेरा ओवरऑल वेट भी कम हो गया, मैं आज चेक करा था। किसने बोला ओवरऑल वेट कम? ओके गाइस वेलकम बैक टू चैनल एंड भाई ये व्लॉग अभी शाम के 5 बजे शुरू हो रहा है एंड भाई ने अपना व्लॉग अपलोड पे लगाया बिकॉज इसी टाइम व्लॉग लाइक जाता है जिन लोगों को नहीं पता, और जिन लोगों को नहीं पता वो मतलब नए होंगे स्टैंड पे, मैंने नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिन लोगों ने वैसे भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वीडियो देखते भाई मुझे पता भूल जाते हो वीडियो मजे मजे में देखने में, चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड भाई अभी पहले हम जा रहे हैं सारा अपना जंगल कटवाने बिकॉज घर से बहुत गालियां पड़ी है, कल शायद हम एक छोटी सी ट्रिप के लिए निकले अगर सब कुछ बढ़िया गया तो, एंड मजा आएगा मतलब आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे तो ये ट्रिप तो बंद। तो भाई हेयर कट ये क्या सोच के कराया मैं लिया तो देख वाली चीज तो वो है भाई तो देखियो भाई जोक से पार्ट अभी भाई ने कलर करवाना है इसलिए अभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है ना। तो भाई हम अगले दिन ब्लॉग कंटिन्यू करें बिकॉज कल इतने सारे काम थे एंड हमारा लास्ट मिनट ट्रिप भी प्लान हो गया है। तो मम्मी हम जा रहे हैं, दाढ़ी कैसे लग रही है हमारी ये बताना चाहेंगे? अब तो एक लास लगनी थी, ऐसा कुछ नहीं है हम कहीं पहाड़ों में जा रहे हैं तो इसलिए हमने सोचा बड़े बड़े रील्स आ जाएंगे, बड़े बड़े फोटो रील से याद आया भाई ये ब्लॉग के चक्कर में ना आधी चीजें याद आती है। मैं अपना स्टेबिलाईजर लेके जाना था वो मैं इसी बहाने गाड़ी में रख लूंगा एंड पर गाड़ी से जा रहे कैसे जा रहे बताता हूँ। देखो वैसे तो मैं कभी उठता नहीं हूँ बट जब हम उठते ना हम कोई मसालेदार चीज पकड़ लेते हैं तो सुबह 7 बजे से चाय बनवाई जा रही है, ऐसा जुल्म चाय की जिम्मेदारी मेरी है, एनर्जी नहीं आई लग रहा है। कल सब हम जा रहे हैं थोड़ा पहाड़ियों में घूमने, क्या आप चलना चाहेंगे? कोविड से दिया करो वापस घूमने तुम जा रहे हो? तो भाई मैं वापस ठीक हो गए वापस यार अब क्या करूं, अपने लद्दाख जान दिया इन्हें लद्दाख, मुझे मैं बताता हूं क्यों नहीं जान दिया। पहले प्लान था पूरा, एक मिनट, पहले प्लान था पूरा स्पीति जाने का, हां या ना? हां उन्होंने बताया मना कर दिया कि -14 डिग्री में नहीं जाना। मना किसने किया? आपने, डॉक्टर ने, आपने, मम्मी या डॉक्टर बन जाती है जब बीमारी होती है। फिर मैंने कहा चलो स्पीति छोड़ो, फिर वो लद्दाख गया, मैंने कहा लद्दाख जाने तो लद्दाख का मेरा फाइनल बना, नहीं -14 डिग्री है। अब माइनस करते करते मैंने कहा जहाँ मैं जा रहा हूँ -1-2 डिग्री। डॉक्टर कोई भी अगर डॉक्टर है वो तेरे को बता देगा, फैमिली डॉक्टर ने बता दिया, ये भी डॉक्टर बता, सारी माए कमेंट करेंगे अच्छे की आपने मदर इंडिया आपने नहीं जान दिया, बट देन जोक से साइड डॉक्टर्स ने भी मना करा था कि लंग्स को रिकवर करना, बट लंग्स पे फर्क नहीं पड़ा था। जो है ना बहुत तेज होती है, तुमने गाड़ी भी जो बुक कराई है 6 महीने वेटिंग की गाड़ी बुक कराते हो, बोलते हो दिसंबर में चलेंगे पापा, सर्दियों में चलेंगे, नहीं इस बार भी चलेंगे, इस बार प्लान ऐसा है कि ऐसे खतरनाक खतरनाक साले तुम ऐसे कुछ करने, बट अभी ऐसे ही बेटे को सुबह सुबह बोलने लग जाते हैं चलो मैं निकल रहा हूँ आपकी बातों में मैं लेट हो जाऊंगा, जो आप चाहते हो चलो बाय बाय। क्या पैसे दे रहे हो? पैसे दे दो नमक। ये वाली फाइनल डेस्टिनेशन देखिए, मुझे पता बहुत गाले पड़ने वाले, फिर से अमृतसर आ गए भाई। देखो आगे कहीं हम दूर जा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ऐसे यार मैं भी बार बार अमृतसर आके बोल रहा था तो मुझे भी कोई शौक नहीं है, बट एक चीज बतानी है आज फ्लाइट में क्या हुआ, मैं इमरजेंसी एग्जिट में बैठ गया एंड जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर बहुत सारा बोझ है बिकॉज मैं इमरजेंसी एग्जिट बैठा और वो एयर होस्टेस मेरे पास ऐसे आई कि सर क्या आपको लगता है सिचुएशन हैंडल कर पाओगे? मुझे लगा था आज ये प्लेन गिराएंगे, आज ही भाई को सिचुएशन हैंडल करनी पड़ी है, बट देन सेफ एंड साउंड पहुंच गए। वो अलग बात है जो मैडम ने समझाया ना ऐसा डर लगने लग गया ना, मैंने कहा आज तो करण सागर तैयारी कर ले, भाई ने 2 बार रिविजन भी करी, पेपरों की रिविजन करी ना इसमें रिविजन करी। तो भाई मुझे लगता है सबने गेस कर ही लिया था 1 महीने बाद भाई कहाँ जा रहा होगा, मेरे पास तेरे पास नहीं, हम आगे जा रहे हैं ठीक है, बहुत प्यारी सी ट्रिप के लिए जा रहे हैं, स्नोफॉल हो गई है जहाँ जा रहे हैं एंड मैं पहली बार ऐसे स्नोफॉल में ड्राइव करते हुए जाऊंगा जो मजेदार होने वाला। कौन ड्राइव कर? मैं करूंगा जिसकी भी गाड़ी से जाएंगे भाई। पहली बात तो मैं नहीं बैठूंगा अगर तू ड्राइव करे। भाई मैं चलाऊंगा। अभी हम लोग अमृतसर पहुंचे, सुबह 10 बज रहे, अभी पूड़ियां खाएंगे। हेलो मेरी शक्ल भटूरे जैसी। आप आ नहीं रहे, आप हमारे साथ चल नहीं रहे? कल आऊंगी। तू कल नहीं आ रही मुझे लग रहा है। यार पाकिस्तानी एक्सेंट तो बोलते मास्क उतार के। अभी देखो खुशी देखो शक्ल पे, अभी मुंह डाल ले इसमें, लोग ऐसे फाड़ते हैं ना तो ऐसे मुंह डाल के फाड़ ले, पूरी खुशी। तो भाई हम लोग आए हैं खाना पे, ऐसा हो ही नहीं सकता था ना आए भाई, इससे अच्छी पूड़ी मुझे कहीं अच्छी लगती। अगर आप अमृतसर से इससे बेटर कोई ऑप्शन पता है तो बता देना भाई, अगली बार जरूर ट्राई। क्या कर रही है ऐसे लोगों के साथ में आने, फील ही खराब हो गई भाई। इतनी गंदी लड़की है, पूरे आइडियाज दे रही है, मैंने कहा है मेरे साथ कोई एक रील डाल ले, नहीं सारी रील्स को अकेले डाल लिया, मेरे अकाउंट पे सारी इसके साथ रील्स डाली हुई है जितने भी हमने साथ। कभी भी नहीं बोला यू वांट ग्लैमर या पेज, दैट्स व्हाई यू पुट ग्लैमर। अबे टट, आई डोंट वांट टट्टी ऑन माय पेज, दैट्स व्हाई यू आर टट्टी। एंड जब भी मैं डालता लोग बोलते भाई क्या है ये, तो ये टट्टी किसने की, ये टट्टी है। तो भाई अभी प्लान जैसे कि हम निकल गए जलंधर के लिए, तो हमारा तो मुझे क्या बोल रहा है आइडियाज से खुद इन्फ्लुएंस, मैंने ये बोला है कि यूट्यूब का रिस्पांसिबिलिटी भाई लेगा, इंस्टाग्राम मेरा हेल्प कर दे, वो पतंग उड़ा दी। तो ये ना सबसे डेंजरस होते हैं पंजाब में,
पतंगे कट के आती है एंड बेचारे ना जो स्कूटर पे होते हैं उनके लिए थोड़ा डेंजरस होता है, हल्की सी भी किसी की चाइनीज डोर हो गई ना तो बहुत गंदा सीन। देन अभी का प्लान कुछ ऐसा है, अमृतसर आए, वहाँ खाना खाया, काम खत्म किया, वापस जंदर जा रहे हैं, वहाँ खाना खाएंगे हवेली में, फिर हम लुधियाना निकलेंगे, वहाँ पे भी खाएंगे, पंजाब आते ही खाना शुरू। दिल्ली में तो सुख आता ही नहीं है। कितना घटिया जोक मारा ना 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 हे ना ना हे 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 हे। ये क्या कर रही है, पागल है? सुन के भाई ये मैं ना सेकंड क्लास में बैंगलोर में मैंने सोलो गाना गाया और ऑडियंस उठ के चली गई थी, पूरी स्टोरी तो बता। दूर न जाने किसका गांव है, तो भाई एक अमृतसर के स्टॉप से हम अगला स्टॉप आ चुका है जलंधर का, और जो लोग जलंधर आए उनको पता होगा हवेली कितना ज्यादा फेमस है, तो हमने अपना जो नए भी आए एवरीबॉडी नोज अबाउट हवेली, देयर इज नोबडी हु डजंट नो, तुझे बस कोई नहीं जानता, शर्म कर। भाई हमने अपना फेवरेट दाल मखनी और पनीर मंगा लिया, तो मैं ना गहना को बोला था कि मुझे ना किचन देखनी, कि इतने बड़े जितने लोग आते हैं यहाँ पे किचन कितनी बड़ी होगी, तो ये कहती आई नीड टू पुल स्ट्रिंग्स, बट देन मैं अंदर से सोच रहा था, मैं कहा जिसका अपना खुद का हवेली है व्हाट स्ट्रिंग्स डू यू नीड टू पुल, एक पापा से पूछना होता है कि पापा हवेली की मैं किचन में जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को उनको एक्चुअली थोड़ा ब्लैकमेल करना होता है, थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करना होता है, तो मैंने इसको बोला कि ऑफ कैमरा मुझे किचन दिखा दूँ कि ऐसा क्या है जादुई कि हर कोई हवेली आके खाना खाता है, फिर मैं ग्रुप पे लिख रहा, मैंने कहा कौन सा नशा मिला तो कि हर बार बंदा घूम फिर के हवेली आ, देन खाना इज टेस्टी, वेरी वेरी नाइस। एंड एक और चीज बताना चाहूंगा, मैं हमेशा कभी बोलता नहीं हूँ, तीन ही असली हवेली है ना, कौन से अमृतसर, जलंधर एंड मूर्थल, जो बाकी आगे पीछे हवेली के लगाते हैं ना वो सब नकली है, जनहित में जारी। हमारा एक प्यारा सब्सक्राइबर रेड बुल देख गया, मैं उसको बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, मैडम कह रही नहीं नहीं कोई नाम रख लेंगे, जब पी ले तीनों पी ले, वो इतने क्यूटली कोई आपके लिए इतनी क्यूटली गिफ्ट लाया, यू शुड से थैंक यू एंड देन ड्रिंक इट एंड फील हैप्पी। ओके थैंक यू, बट भाई बहुत ज्यादा स्वीट था, बट देन अभी स्वीट हमने चीज मंगाई है, तो पता क्या करेगा, जलेबी को रेड बुल में डिप करके खाएगा। नहीं भाई मैं खुद नहीं कर रहा, तो भाई जलेबी की मैं आप लोगों को कहानी बताता हूँ, जब मैं जलंधर रहता था ना घर वालों के साथ, मैं अगर खाना खाने आऊँ, मतलब खाना खाने आता था बट देन जलेबी खाने तो जरूर आता था, पतली और करारी जलेबी मैंने आज तक कहीं नहीं खाई। भाई फाइनली हम लोग जाना पहुंच गए, और ये बेशर्म इसके दोस्त का कमरा सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है, नीचे वाले दो फ्लोर में ना सबके रूम में झाके जा रही थी, अभी तीन फ्लोर चढ़ के आए, सांस चढ़ गई इसको, बताओ जरा चढ़ी नहीं। तो ये व्लॉग ना हम अगले दिन कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड भाई पंजाब की क्या सर्दी हो रखी है, इतना खतरनाक मौसम, बट देन एक चीज है जो मुझे विंटर्स की बिल्कुल पसंद नहीं है, स्किन में ना ब्रेकआउट शुरू हो जाते हैं, एंड आई थिंक आपने बीच में देखा भी था कि मेरा एक्ने शुरू हो गया था, बट देन ये था कि इसको अगर अच्छे से मेंटेन करो ना तो बिल्कुल एक्ने नहीं होता, बिकॉज सर्दियों में क्या होता है हमारी स्किन ना बहुत सारा सीबम ओवर प्रोड्यूस करती है, ऑयल रिलीज करती है, जिसके कारण ट्राई तो बॉडी ये करती है कि हमारी स्किन हाइड्रेट हो जाए, बट वो थोड़ा ओवर हो जाता है, बिकॉज थोड़ी बहुत तो स्किन सॉफ्ट होती है, बट ओवर प्रोडक्शन कारण क्या होता है कि जो हमारे सारे पोर्स ना ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण काफी तगड़े, मतलब मुझे तो बहुत तगड़े एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं, एंड आई नो मेरे जैसे एक्ने की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है, तो भाई इसको टैकल करने का सबसे परफेक्ट सलूशन है डर्मोको का सैलिसिलिक एसिड जेल फेस वॉश एंड सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम, मतलब ये कॉम्बो ना मतलब कहते हैं किलर है। तो भाई जो सैलिसिलिक एसिड है ना उसमें बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, जो हमारे सारे पोर्स को टारगेट करता है, जितने भी ब्लॉक पोर्स होते हैं उन सबको अनक्लॉक कर देता है, एंड साथ एक्ने ब्रेकआउट्स एंड ब्लैक हेड्स को भी टारगेट करता है, एंड ओवरऑल हमारी स्किन हेल्दी और क्लियर बनती है। तो भाई सिंपल सा इसको डेली रूटीन में यूज करना सुबह शाम, मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है, बिकॉज मैंने रिजल्ट्स पर्सनली इसको सुबह शाम यूज करके देखे, तो सबसे पहले चीज है फेस वॉश यूज करना है, उसमें सिंपल है, एक पंप हमने जेल फेस वॉश का लिया, अरे भाई मुंह तो गीला करना भूल ही गए, मुंह गीला करना भी जरूरी है, तो मुंह उसको बढ़िया सा गीला करके अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मुंह पे लगाया, एंड जो सेकंड स्टेप जो इक्वली इंपॉर्टेंट है वो है बढ़िया सा फेस सीरम अप्लाई करना, थोड़ा सा मैं दो तीन ड्रॉप अपने हाथ में ले लिया, इसको बढ़िया सा रब करके अपने पूरे फेस पे लगाना है आपको, नेक एरिया में भी लगा सकते हो, एंड वी आर डन फॉर द डे। एंड अगर बाहर स्टेप आउट करते हो डे टाइम में तो एक बढ़िया सा सनस्क्रीन लगाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश करूंगा सारे प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने की, तो यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। भाई अपने केस आर्मी में अगर ये व्लॉग देख रहे हो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, तो भाई यू विल गेट 20% ऑफ इफ यू यूज द कूपन कोड करंट 20 ऑन द डर्मोको वेबसाइट, जाओ जाके इस्तेमाल करो, सारे वेबसाइट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं भाई, तो भाई अपनी 2022 की शुरुआत अच्छी हेल्दी स्किन से करो, बिकॉज डर्मो के सारे प्रोडक्ट्स हैव बीन डिजाइन्ड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो दे नो व्हाट इज द राइट इंग्रेडिएंट फॉर क्लियरिंग ऑल दीस प्रॉब्लम्स, एंड टच वुड मेरा सब राइट ऑन ट्रैक जा रहा है, एंड आप लोगों को भी करना चाहिए यार, अपनी हेल्दी स्किन हेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे तो लाइफ भी बढ़िया रहेगी। भाई ये कहां दुनिया में ले आते हो, तो अभी ना पिछले आधे घंटे से भाई गलियों गलियों में निकल रहे थे, एकदम से ये क्या उजाला सा हो गया, तो अभी हम लोग आए हैं, कहां हैं सर,
तो भाई ये अभी हम बैठे पास की गाड़ी में, डोमिनोज से रेंज रोवर भी आ जाती है भाई। पिछली बार लोगों ने काफी सीरियसली ले लिया था, तो मैं कभी डिटेल में बताऊंगा, बट देन वो डोमिनोज एक क्लॉथी चीज नहीं है। बट देन पिछली बार शादी में मैं रात को ना कॉकटेल में हम वापस जा रहे थे, समझ जाओ हम वापस किस टाइम जा रहे थे और किस हालत में जा रहे थे, और ये गाड़ी में ऑलमोस्ट ऐसे ना जाने वाली थी, रेंज ओवर का नैनो बन जाती। बट देन भाई ओवरऑल इसकी इंटीरियर बहुत ही सुंदर है भाई। अभी हम लोग आए हैं ब्रुक्स करके एक रेस्टोरेंट है, यहाँ का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। कैसे पता कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी? पंजाब के लोग इतने कॉन्फिडेंस से अपने खाने की बात करते हैं ना कि बंदा बातों बातों में मान जाता है कि खाना टेस्टी होगा। मैं कह रहा हूँ ना इनकी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ पे तीन कैफेज है, एक जगह मिलते हैं पिज्जा, एक जगह मिलते हैं सिर्फ वॉफल क्रेप्स और कॉफी, और खाने आए थे हम नाश्ता। पता है एंड में कहाँ जा रहे हैं? मतलब घूम फिर के घर को लौट रहे हैं। हम जा रहे हैं सागर रत्न। हम क्रेप ही खाने आए थे, वो तू नहीं खाता ऐसी इंग्लिश। ये लड़के ना पलटू, इनने सुबह से नाश्ता नहीं करा, सब रो रहे थे नाश्ता करने नाश्ता करने। अब देखो सागर रत्न जा भाई। अभी हम फिर से निकल चुके हैं, तो अभी धृति को घर छोड़ा है क्योंकि वो थोड़ी उसकी तबीयत खराब होती है, तो वो सो गई है। अभी पास ही मुझे अपनी मॉल की साइड दिखाने लाया था, तो मैं वही बोल रहा था यार ऐसा कौन सा पिज्जा है हमें भी बताओ जो डोमिनोज में बिकता है। तो भाई अभी सामने तो वेव मॉल है, इसके साथ हमारा नया मॉल आ रहा है पासी जी का एप्पल हाइट्स करके। अच्छा पूरी डिगिंग वगैरह हो गई है इसकी? हाँ पूरी डिगिंग हो गई है, पाइलिंग का काम हो रहा है। तो भाई वो कहते हैं ना कुछ लड़कियों का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ते, तो मैं और ये गेड़ी मारने निकले थे जबरदस्ती पीछे पीछे। हम जहाँ रुके इसने कहा कहाँ, हमने कहा हम गेड़ी मार रहे हैं और हम कॉफी पीने आए। तो भाई जैसे मैंने इसको बोला ना हम कॉफी पीने रुके, 10 मिनट में पहुंच गए। ऐसा आप क्यों करते हो मैम? क्योंकि मुझे कॉफी पीनी थी। तो भाई तुम जाओ एक ही जगह कॉफी पीने के लिए लुधियाना, और ये मेरी फेवरेट जगह है, और इधर मेरा प्लान था आने का, तेरे को किसने बुलाया? तो तुम सोते रह गए। मैंने बोला मैं ही भी जा रही हूं, तुमने बोला मैं भी आ रहा हूं। मैंने बोला वो मांगा, तूने बोला मैं भी आ रहा हूं। कल रोड ट्रिप के लिए तो एक्साइटेड है मेरे साथ। सच से बता, दूसरी गाड़ी में बैठ रहा है? क्यों तुम साथ नहीं बैठ रहे? नहीं क्यों? Because I want a peaceful drive. I am peaceful. You're only full. तो भाई मेरा ओवरऑल वेट भी कम हो गया, मैं चेक करा था। किसने बोला ओवरऑल वेट कम हो गया? दिमाग अभी तक मोटा है। मैंने सुबह चेक करा मेरा वेट कम हो गया। वाह मैं कितनी फनी थी। इंस्टेंटेनियस। दूसरी इसकी फनी पार्ट में आ रही है, जो पाकिस्तानी सिस्टर थी ना इसकी, कल आ रही है हमारी ट्रिप पे। ज़ैनब भाई कल आ रही है। देखो चेहरे की खुशी देखो इसकी भाई। ये मेन कोर्स हमारा आ चुका है, एक है रायता चिकन, एक है बटर चिकन, क्योंकि बटर चिकन भाई के लिए ज़रूरी है। एंड अब हम करना चाहेंगे आज का ब्लॉग एंड, कल से धमाकेदार मजे आने वाले, बहुत ही क्रेजी प्रॉपर्टी में रुकने वाले हैं, तो अगला ब्लॉग जरूर देखना। हम करना चाहेंगे आज का ब्लॉग एंड। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, उससे आपको पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग लाइव। जो नए भी ब्लॉगर्स है वो भी वीडियो बना रहे हैं, खाना सब दिखाते हैं। आज नेक्स्ट